रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। शुजालपुर में जहां एक साथ पहुंचे 18 से 45 वर्ष के युवा और 45 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाना थी, ऐसे में पहले वैक्सीन लगाने को लेकर धक्का मुक्की हो गई, जहां प्रातः काल से ही टोकन लेने के लिए आमजनों की भीड़ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जुटी थी, जबकि मात्र 300 डोज उपलब्ध होने के कारण बाकी लोगों को टोकन नहीं मिल सके और उन लोगों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। इस बीच जब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ तो लाइन में लगी भीड़ गेट खोलकर अंदर घुस गई और जहां वैक्सीन लगने का कार्य चल रहा था, अचानक वैक्सीनेशन रूम में बैठी नर्स और स्टाफ घबरा गए। वहीं भीड़ की वजह से वहां रखी कुर्सी टेबल गिर गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं लगी और न ही वहां रखी वैक्सीन को नुकसान पहुंचा। स्थिति को काबू पाने के लिए शुजालपुर मंडी थाना प्रभारी प्रेमलता खत्री स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची और वैक्सीनेशन का कार्य में आई बाधा को समाप्त कर फिर से व्यवस्थित रूप से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करवाया है और वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। वहीं महिला के लिए महिला पुलिस भी तैनात की गई है, जब जाकर सुचारू रूप से वैक्सीन लगने का कार्य शुरू हुआ और फिर शांतिपूर्ण तरीके से वैक्सीन लगाने का काम संपन्न हुआ है, परंतु सिर्फ 300 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। बाकी अन्य लोगों को शनिवार को लिए टोकन दे दिए गए, जहां पहले वैक्सीन लगने को लेकर प्रेरित किया जा रहा था, वहीं अब तीसरी लहर के आने के खतरे का अंदेशा देकर आमजनों में वैक्सीन लगवाने को लेकर होड़ मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर में वार्ड दर वार्ड वैक्सीन लगाने को लेकर वेन भी भेजी जा रही है। शुजालपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।